जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो हमारे गुजरात के सीएम और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुझे स्थान मिला। और एक यूमी नीति का अवार्ड इसलिए मुझे मिला है कि यूमी नीति में आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे मेरे 45 मिलियन व्यूअर्स हो गए यूमी नीति सॉन्ग पे। तो इस सॉन्ग के लिए मुझे ऐसा बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है और इंडस्ट्री से ऐसे प्यार मिलते आ रहा है। तो आई एम सो लकी, सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। आप सब की वजह से हम सब यहाँ पे जो इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। Thank you so much. क्या क्या आइए मैम आइए, नायरा मैम आइए, मैम आइए। It's a recognition, it's an appreciation. I really want to thank all those people who think that I deserve the award. So thank you so much and आप सबसे की और आप बहुत beautiful so I think it's one of the party where I just got and I love blues, purples. It's something by myself. After the competition, and I actually started to have that hand on the hand. Well, I've already come up with kya hai. So I already received the award. It's getting and it's a good feeling कि like you know ये सारी ये जो competition है, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग categories को and support और encouragement मिलता है सबको। सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है और उसे प्रोत्साहन मिलता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तब आदमी और कुछ करना चाहता है। तो मैं भी अपने फील्ड में और बेटर करना चाहूँगा और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना चाहूँगा ताकि लोग और इंटरटेनमेंट हों और खुश रहें। आपकी जो मूवी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा अगर उदाहरण। जी, हमारी अभी एक फिल्म आ रही है, मैंने प्रोड्यूस किया है गंगा घाट, तो बहुत ही प्यारी फिल्म है और इस टाइम में अगर वर्क कॉमेडी फिल्म है तो बहुत मज़ा आने वाला है और नवंबर के लास्ट तक रिलीज है। प्यारी फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को। जी, और कोई मैसेज देना चाहिए? कल दशहरा है, सबसे पहले हैप्पी दशहरा। कल दशहरा है, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं दिल से। आप लोग जीवन में जो चाहे मिले और यही कहना चाहूँगा सबको मिलजुल कर रहना है। इतना बड़ा कोविड का महामारी का चलता रहा है, तो सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में लगे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है ताकि किसी को कोई परिस्थितियाँ कभी गड़बड़ाए भी तो हम बेहतर का सपोर्ट करें ताकि वो इस महामारी में डगमगाए। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और करना गया है करीबन देश भर में जो सोशल वर्क करते हैं, अच्छा उनको होती है और के सोशल और मैं आशा करता हूँ आगे भी अच्छा काम से पूरे देशवासियों को मैं कल दशहरा है और सारे देशवासियों को दशहरा करना है। मीडिया के and first of all मैं congratulation बोलना चाहूँगी वो जिनका ये पहला मैं आप लोगों को थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू। काम किया कोरोना काल में उनके लिए जो ये अवार्ड रखा गया उसके लिए नो डाउट इससे मोटिवेशन भी मिलता है लोगों को काम करने का। चीज़ बहुत छोटी मायने बहुत बड़े CWC के जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर है एकता मंच के, उनकी तरफ से ये जो अवार्ड मुझे आज मिला है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। और वो ऑलवेज खुद इसके बड़े मास्टर हैं कि वो हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं, उन्होंने इतना किया और आज तक कोरोना काल में करे। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ऐसे नहीं कि मुझे यहाँ ये अवार्ड मिला है मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ स्कूल में बैठी हूँ तो मैं कह रही हूँ, नहीं, ये फैक्ट है। और इसको पूरा मुंबई शायद आप में से कुछ हमारी सारी मीडिया भी जानती होगी उनके बारे में कि जो उन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। स्कूल में फीस माफ़ करना, 80 स्कूल मुंबई के अंदर है, मैं तो बोलती शायद महाराष्ट्र के अंदर मैंने कहीं और नहीं सुना जिन्होंने 3 महीने की फीस को माफ़ किया। 4000 बच्चे बहुत होते हैं, 3 साल की फीस माफ़ करना। सो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी इस बात के लिए। इस बात को सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। सभी स्कूल वालों से मैंने भी बहुत अपील की थी कि सभी थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स की मदद करेंगे तो ये वक्त निकल गया और जो बचा है वो भी निकल जाएगा। बस जो है बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूँगी फिर भी कि आज भी हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है और ध्यान देना है। अभी हम इससे मुक्त नहीं हुए, कोरोना का अब भी असर है। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत जल्दी हमारा शो आने वाला है, उसका टाइमिंग आप लोगों को पता लगेगा। मैं अपने फैंस को और सभी लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब भी आएगा आप प्लीज़ ये मुझे पता नहीं है कि एकता मंच की अहमियत बढ़ जाती है या संस्था की वजह से एकता मंच की अहमियत बढ़ती है। एकता मंच अपने आप में अपना छोटा कार्य करते रहता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में? गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड है और एकता मंच भी जुड़ा है, होप मेरे फाउंडेशन भी जुड़ा है। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। हम जब बचपन में पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था इंडिया इज माई कंट्री और इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। सभी लोग जो इस देश में हैं हम भाई और बहन के नाते से जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक चीज़ ऐसी है, हमारे में से कोई भी अच्छा काम करता है, किसी अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छा काम करता है तो वो सराहनीय निश्चित रूप से है और जिससे कहीं ना कहीं दूसरे दिन प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता मंच बहुत बड़ा काम करता है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है तो उसको प्रेस करना ही चाहिए। समाज के सामने हम अगर ऐसा आदर्श रखते हैं कि जिसके कारण बहुत से लोग मोटिवेट हो सके, अच्छे काम के लिए प्रेरित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता। कि यहाँ पे कोई ना कोई कभी दूसरे कारण से हमने ये कार्यक्रम लिया है। ये कार्यक्रम प्रेजेबल है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और उसके कारण बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। सर, इसके अलावा जैसे सर से मैंने पूछा था कि एकता मंच का नाम किसी भी अवार्ड के साथ जुड़ता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ जाती है। तो एकता मंच ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, जैसे वैक्सीन दी लोगों को, अनाज भी बांटा और बहुत सारी चीज़ें की। तो सर उस बारे में क्या कहना चाहिए? इस तरह का जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो आपको लगता है कि दूसरों को प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो एकता मंच के बारे में बताया, इस देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनमें ये सम्मिलित है। अच्छे लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के काम में, दूसरे के दर्द में अगर सम्मिलित होते हैं तो इसके जैसा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इट विल बी प्रेज्ड नॉट ओनली बाय पीपल बट ऑल्सो बाय दैट ऑलमाइटी गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उस ऑलमाइटी गॉड के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे राम कहेगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, वहाँ भी नाम अलग अलग हो सकते हैं। बट दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर विच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है मेरा बच्चा जिसे हमने इस दुनिया में भेजा वो अच्छा काम कर रहा है। तो एकता मंच ने काम किया, अच्छा काम किया। कोविड में जो लोग परेशान थे, ऐसा जीना ही मालूम नहीं था, उस वक्त इतना अच्छा काम किया। इट इज ऑलवेज 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 सराहनीय। अरे सब मुंबई पुलिस ऑलवेज वर्क्स फॉर 24/7 फॉर कॉमन सिटीजन ऑफ मुंबई। पर क्या कहना चाहिए? मुंबई सरकार लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। कोविड के समय में सब अपने घर के थे, लेकिन मुंबई पुलिस घर के बाहर रहकर लोगों को सिक्योरिटी दे रही, लोगों को समझा रही थी, जो लोग कोविड प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सी फर्स्ट दी वर्क दैट मुंबई पुलिस हैज बीन डूइंग इज रियली रियली प्रेज़वर्दी। इट इज़ नॉट ओनली दैट दे हैव केप्ट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री, but whenever there is any calamity, whoever who comes in the forefront is the Mumbai Police, and we citizens are totally indebted to Mumbai Police for the selfless devotion and their contribution to the community. Sir, आप क्या कहना चाहिए? आप पुलिस पर जो हमेशा से मुंबई पुलिस क्यों फील करते हैं, मुंबई के लोग हमेशा से क्या कहना चाहिए आप? As a Mumbai policeman, I am proud that our force has done a very big role, very good work. बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे अच्छा काम तब हुआ जब कोविड का पहला फेज चालू था और उस वक्त बहुत से माइग्रेंट लेबर्स एंड एवरीबडी जब सो स्क्वेयर नहीं इतना इतना ऐसा लग रहा था कि कुछ हैपन और हम हमारे माता पिता या हमारे परिजनों से मिल सकते या नहीं। उस वक्त उनकी जो व्यवस्था हुई है, बहुत सी अच्छे अच्छे संस्थाओं ने उनको मदद की है, लेकिन उनको जो जब गाँव भेजना था उस वक्त जो सुविधाएं उपलब्ध की गई थी बहुत अच्छी थी। और वही बहुत अभिमान और अच्छा भी लगता है कि हम कहीं हमारे ही भाई और बहनों के काम में आए। बोलिए सर, आपल्याला असं वाटत नाही का जे काम नेत्यांनी नाही केले संस्थेच्या मार्फत संस्थेचे जे अध्यक्ष त्यांनी केलं असं आपल्याला वाटतंय का? थोडासा क्लिष्ट प्रश्न आहे, पण नक्की हे सांगू शकतो की ज्यांनी ज्यांनी केलं तो भारताचा नागरिक होता आणि ज्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे त्या कामाची निश्चितपणे कुठे ना कुठेतरी त्याची नोंद होते। नेहमी लक्षात ठेवायचं की मी जे काही काम करणार आहे ते काम कोणीतरी करणारी शक्ती आहे। ॲज यू सो सोशल यू आप जो होने वाले हो वही निकलने वाला है। डू द गुड वर्क एंड हैव द हार्वेस्ट ऑफ गुड थिंग्स, दॅट इज बेसिक। म्हणून आपण पाहिलं असेल की फक्त सोशल वर्क करणारे सोशल वर्करच आज रस्त्यावर निघते नाही, त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? नाही, या प्रश्नावर कुठंच भाष्य करणार नाही। मला एवढं माहीत आहे प्रत्येकाने आपापल्या परीने जेवढं काही शक्य होतं तेवढं काम केलेलं आहे। हर आदमी ने जहाँ तक उसे पॉसिबल था हमारी इसलिए नहीं कि उसको अवॉर्ड मिल रहा है, एक अवॉर्ड उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अवॉर्ड डेफिनेटली इंस्पायर। मैं बहुत ही खुश कि आप लंदन में आते हैं तो इस बात को मैं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर नहीं आप दिस इज और इसे कहता हूँ कि पूरी टीम है बहुत मेरा टीम मैं एक ही लोगों से मिला हूँ, इन लोगों ने दिल से बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैंने टीवी पर देखा इनका कार्य तो मैं और या घायल हो गया, बहुत हो गया। मैं ऐसे काम करता हूँ क्योंकि ऐसे जरूरत हिंदुस्तान में ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और मेरी ब्लेसिंग तो मैं किसी चलिए मैं आप लोगों से छूट सकूँ तो मुझे जोड़ी रखिए आप लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और बिंदास मेरे प्यारे भाई बहनों, और मेरा एक ऐसा मिरर है जो समाज पाएगा, यानी कि समाज के सारे कार्यकर्ता मेरे प्यारे भाई बहनों। बस यही, और आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, जब मौका मिलता है देख लूँगा, पूरा नहीं देखा लेकिन हाँ पूछ सकते हैं। एक्चुअली अभी तक तो लोगों को गेम समझ में नहीं आया क्योंकि गेम जब तक समझ में आया कौन बेटर है, तो मुझे सारे बेटर लग रहे हैं बिग बॉस में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेटर है या ये बेटर है। ये तो 2-3 हफ्ते के बाद पता चलता कि हाँ आदेश ने अपना मेन कार्यक्रम निकाला है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल प्रशांत बड़ा ठीक चल रहा है लोगों के बीच में। देखते आगे क्या करते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रतीक की बात कर रहे हैं। प्रतीक और प्रशांत दोनों बिल्कुल, हाँ प्रतीक की बात कर, कि मुझे दरवाजा थोड़ा था दया के बाद दूसरा दया आ गया। मतलब दरवाजा तोड़ने में दया दया के पेट पर लात मारने पड़ती है। मतलब नेक्स्ट आईडी प्रतीक को, हाँ नेक्स्ट आईडी प्रतीक करेगा। पर मेरा फेवरेट जय भानुशाली, मेरा फेवरेट जय भानुशाली है क्योंकि मैं उसको वैसे जानता हूँ, इसलिए वो इसमें आज मैं उनको पर्सनली मिला हूँ। जय भानुशाली को ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत सोचे हुए हैं। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहतरीन अच्छा गेम करेगा। जय भानुशाली मेरे भाई, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और क्या नाम पता है जब एक मैंने कहा ना एक हफ्ते में, अब तक तो नाम भी नहीं पता मुझे किसी का, लेकिन जानता हूँ एक बंदे ने दरवाजा तोड़ा था, प्रतीक ने दरवाजा तोड़ा था। क्यों तोड़ा था, किसी तोड़ा था, ये सोच के बताना। लेकिन अंदर मैं सुना कोई महिला थी भी तोड़ दिया, जब कोई बात नहीं, शायद गेम होगा, कैसा भी गेम होता है, लेकिन ऐसा कैसे गेम होगा।